68वें वार्षिक कार्यक्रम का मातृशक्ति द्वारा आयोजित किया गया। शराब सामाजिक परिवार में कलह, हत्याएं, आत्महत्याएं तथा दुर्घटनाएं प्रदान करती हैं, इसलिए इसे प्रतिबंधित होना चाहिए। महिला सम्मेलन के पूर्व प्रातःकाल 14 बटकों का सनातन पद्धति में यज्ञोपवीत हुआ तथा घरों में अपनाई जा रही परंपराओं के साथ कराया गया। परिजनों के साथ बटकों की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके चैतन्यपुरी महाराज के द्वारा समावर्तन संस्कार कराया गया। भावी जीवन के लिए पुस्तक प्रदान की गई। सायंकाल 8 जोड़ों का सनातन पद्धति से तथा घरों में अपनाई जा रही सभी परंपराओं के साथ विवाह कराया गया। बैंड बाजे के साथ वर यात्रा सम्पन्न हुई। सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु परिवार के लिए यश शक्ति सभी सामग्री दी गई। समस्त कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष रमेश पांडे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मैं संस्था का महामंत्री बेटे काल से हमारी संस्था वर्ष 1995 में प्रारंभ हुई थी। इसकी स्थापना हमारे पिताजी जो 89 वर्ष के हैं और रमाकांत सिंह, उन्होंने इस संस्था को बनाया और उस संस्था को निरंतर हम लोग संचालित कर रहे हैं और संस्था हमारी ईमानदारी और पारदर्शिता से अपना कार्य कर रही है। जिन कन्याओं का विवाह धन के अभाव में नहीं हो पाता है वो कन्याएँ हमारी संस्था में संपर्क करती हैं और संस्था उन्हें सम्मान इस बाहर के साथ पूजा करती है और हमारे दानदाता हमारे जगह से खड़े हैं जिनके सहयोग से हम इन सबका पूरा इनकी जो इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। आज 8 जोड़ों का विवाह हुआ है और हमारी संस्था विधुर का भी विवाह कराती है, विधवा का भी विवाह कराती है और तलाकशुदा का विवाह करती है। लेकिन तलाक की स्थिति में न्यायालय का प्रमाण पत्र अति आवश्यक है और बाकी ये कह सकते हैं कि जो हमारे धन के अभाव में बैठे हुए हैं बहुत ऐसे लड़के हैं, किसी का 12,000-10,000 नौकरी कर रहे हैं, उम्र हो गई है, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, संस्था में आते हैं तो उन्हें हम कन्या ढूंढ के देते हैं। तो कुल मिला के दोनों का विवाह सुचारू रूप से हम हाँ आज दोपहर को बिल्कुल संस्कार हुआ करीब 15 बार हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस के लिए सबसे पहले हम ये चाहेंगे हमारा जो समाज ये सुन रहा है उसको संस्कृति सुविधा का उनका पालन करे और हिंदू सनातन पद्धति जो चली आ रही है उसी परंपरा से अपना विवाह कराए, कहीं अन्य जगह ना जाए। हमारे यहाँ विवाह ऐसा नहीं होता जयमाल कराया विवाह कर दिया, हमारे यहाँ भी रात भर भावा संदोरा चलेवा सब होता है, सुबह कन्या को विदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।